दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इसका पहला पार्ट अपलोडेड है जिसमें बॉन्जाई को और इंडोर वाले कुछ प्लांट्स को देखे थे। अभी हम इस पार्ट में पहला पोली हाउस देखेंगे जिसमें छोटे प्लांट होते हैं और कॉस्टली प्लांट होते हैं, और सकुलेंट्स को भी इसी पार्ट में हम देख लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, प्लांट्स को देखते हैं। आपको डिफरेंट प्लांट्स इस नर्सरी में डेफिनेटली दिखेगा। पहला पीस लिली, आप बोलोगे ये तो कॉमन है, लेकिन भाई मैं बताता हूँ, ये पीस लिली आपको दिख रहा होगा जो कि गोल्डन पीस लिली है, और ये जो अपना है कॉमन पीस लिली आपको जो हर जगह मिलता है, यानी कि ओरिजिनल पीस लिली आप बोल सकते हो उसको, जो हर साल मिलता है और कॉमनली मिल जाता है। लेकिन ये आपको थोड़ा थोड़ा पीले कलर का पीस लिली होगा जो कि अभी कृपा में अवेलेबल है, केवल आप बोल सकते हो कि कृपा नर्सरी में ही अवेलेबल है, क्योंकि इसकी खासियत है, इसके कारण इसकी प्राइस भी दो गुना है। ओके, उसके बाद हम लिपस्टिक एग्लोनिमा की बात करते हैं, तो ये आपको हर नर्सरी में मिल जाता है, बट अगर इसकी स्पेशलिटी की बात करूँ तो इस नर्सरी में आपको प्लांट बुसी है, प्राइस 300 से 400 होलसेल पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कलंचू। कलंचू जो कि फ्लावर के लिए अच्छा होता है, इंडोर भी सर्वाइव कर जाता है, और आपको 6 इंच पॉट में लगे हैं, प्राइस आपको 80 से 100 तक रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी प्लांट, जो कि मनी प्लांट आपको हर जगह मिलता है, तो इसमें खासियत क्यों, क्योंकि थोड़ा इसके यहाँ जो होता है वो फ्रेश होता है, प्लांट की कुछ प्राइस नहीं होती है हर जगह आपको, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लेते हैं वो है स्ट्रोमेंथे। इस प्लांट की थोड़ी डिमेरिट होती है, ये प्लांट आपको जल्दी ख़राब होने वाला प्लांट है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं स्नो वाइट। स्नो वाइट भी आपको हर नर्सरी में मिल जाता है, रुद्र वाले नर्सरी टूर अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको रिजनेबल प्राइस में है, और यहाँ आपको कॉस्टली मिलेगा। लेकिन एक बात तो है, जो ब्रांडेड है और जो लोकल है दोनों में अंतर होता है। दिस इज ऑल्सो लिपस्टिक एग्लोनिमा। बेस्ट क्वालिटी, क्वालिटी में कुछ कमियां नहीं होती है इस नर्सरी में, भले रेट की कुछ खास हो, लेकिन इसमें आपको एक पॉट में दो प्लांट लगे रहते हैं और बुसी प्लांट होता है। चलिए, स्नेक प्लांट के बहुत तो वैरायटी अभी अवेलेबल है। स्नेक प्लांट में जैसे आप ये कॉमन इसको नहीं बोल सकते हो, पीला आपको बॉर्डर है, उसके बाद ग्रीन है, मैं आपको 3-4 वैरायटी दिखाता हूँ इसी नर्सरी में, इसी टेबल पे। ये दूसरा वैरायटी आपको हो गया जो कि बॉर्डर पीला है, उसके लास्ट वाला बॉर्डर ही ग्रीन है, उसके बीच में भी ग्रीन है। आई डोंट नो ये कहाँ से इस तरीका से बन जाता है, उतना तो नॉलेज नहीं अभी मेरे को। फिर ये दूसरा पैटर्न आपको दिखेगा। अभी आप अगर बोलोगे कि स्नेक प्लांट कहीं 50 रुपये का भी मिलता है, 60 रुपये का भी मिलता है, तो वो डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा है। ओके, फिर से कलंचू पे आते हो, तो कलंचू आपके ये बड़े वाले प्लांट है, दूसरे कलर वाले। कलंचू को 3-4 स्टेप में बांटा हुआ है कृपा में। पहले छोटे वाले पॉट में लगे हैं, 4 इंच पॉट में, वो उसकी प्राइस कम है। ये आपको 6 इंच पॉट में, उसकी प्राइस ज़्यादा है। इसमें 3 प्लांट लगे, उसमें सिंगल प्लांट है, प्लांट बुसी हुई है। फिर अब हम देखते हैं इकजोड़ा। दोस्तों इकजोड़ा एक ऐसा प्लांट है जो कि शायद ऑल टाइम फ्लावर कर जाता है, खासकर ये मिनिएचर एक जोड़ा है, यानी कि 6 इंच पॉट में है और 3 प्लांट को लगाया हुआ है। डेट्स वाई प्लांट में फ्लावर आपको देखने को मिलता है, कलियां पूरा पूरा कलियां भरा हुआ है। कलर की भी वैरायटी है, येलो है, रेड है, आपको पिंक कलर का है। क्वालिटी आप देख सकते हो, इसीलिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ता है ताकि समझ में आता है प्लांट्स, आप जज कर पाते हो प्लांट को। ये सब आपको ब्लूम होने ही वाला है, सारा कलियां रेडी है। अगेन स्नेक प्लांट की क्वालिटी आपको पता ही होगा, क्योंकि हाँ रेट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 200 250 और 300 350 इसके रेंज में स्नेक प्लांट अभी यहाँ अवेलेबल है। क्वालिटी की मत ही पूछो, क्वालिटी बहुत बेस्ट क्वालिटी में है। सब प्लांट मुझे अच्छा लगा।
दोस्तों ये है आपको देसी स्नेक प्लांट, जिसमें ये आपको 8 से 10 इंच पॉट में लगे हैं, आई थिंक 8 इंच पॉट में लगे हैं, और प्लांट लंबा लंबा होता है। बट ऑक्सीजन के लिए अगर आपको प्रिफ्रेंस देते हैं तो ये बेस्ट है। चलिए दोस्तों, आप जानते हो YouTube पे लाखों करोड़ों वीडियोज है, तो मैं हर लैंग्वेज के वीडियोज को देखता हूँ। उसमें से जितना भी यूट्यूबर है या जितना भी गार्डनिंग के रिलेटेड वीडियोज है, उसमें मोनस्टेरा का प्रेफरेंस पता नहीं क्यों हर वीडियो में आपको लोग मोनस्टेरा दिखाना पसंद करते हैं। ये एक रेस्पेक्टेड प्लांट आप बोल सकते हो, बेस्ट एयर फ्रेशनर भी होता है, ऑक्सीजन के लिए भी होता है, और सबसे बड़ी खासियत मुझे लगती है कि प्लांट जो है ख़राब नहीं होता है। इसके लीव्स नेचुरली कटते हैं और नए नए लीव्स नेचुरली प्रोड्यूस होते रहते हैं, कट होके ही आपको लीव्स आते हैं। तो अगर आपको अफोर्डेबल का भी मिले तो डेफिनेटली एक मोनस्टेरा तो अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। चलिए अगले प्लांट को देखते हैं। ये है फेडल लीफ पिग। फेडल लीफ की खासियत भी है कि ये प्लांट शायद कभी खराब हो सकता है, अगर आपको थोड़ा भी मेंटेन आता है तो आप इसको लगा सकते हो। बेस्ट इसका जो सॉइल मिक्सचर रहेगा वो कोकोपीट और सॉइल हो सकता है। दो दो पैक में है, 6 इंच वाले आपको सस्ते हैं और 8 इंच वाले पॉट में आपको 250 से 300 का प्लांट पड़ता है फेडल लीफ का। उसके बाद जेड प्लांट है आपको जामिया, ये ग्रीन है जो कि यूजली हर जगह मिलता है। अब आप बोलोगे कहीं मेरे को 50 रुपये मिल जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक प्लांट लगे तो डेफिनेटली 50 रुपये में तो हम रिटेल में सेल कर देते हैं। अब हम सकुलेंट्स को देखते हैं। सकुलेंट, ये जो बॉक्स दिख रहा होगा वो सकुलेंट आपको पैक हुआ है कहीं आउट ऑफ स्टेट के डिलीवरी के लिए। ओके, चलिए पहला मून कैक्टस है। दोस्तों कैक्टस को ये ग्राफ्ट करके फ्लावर डाला रहता है, ये कुछ नेचुरली नहीं है। इसके बाद फिर से फ्लावर आते हैं इस पर। ओके, मून कैक्टस के भी अलग अलग कलर में इनके पास है, करीब 3 कलर होंगे, येलो है, ऑरेंज है, पिंक है, ओके, रेड है, 3-4 है। उसके बाद ये भी कैक्टस है। इस कैक्टस में जो है थोड़ा और पुराना होने के बाद फ्लावर आपको लगते हैं। बोले तो कैक्टस की बहुतों वैरायटी है। अभी तो कितना ऐसा कैक्टस की वैरायटी है जो लोगों के लिए अनजान है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं आपको जो अभी कृपा में अवेलेबल है वो मैं दिखा रहा हूँ। अगर सकुलेंट्स के कलेक्शन की बात करूँ तो मुझे अभी तक में सबसे अच्छा कलेक्शन कृपा नर्सरी का ही लगा है, जो कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन में रखता है। संजय की बात करूँ तो आपको कॉस्टली पड़ता है, रीजनेबल प्राइस हो और क्वालिटी हो, यानी कि वैरायटी हो, ये सब आपको कृपा में मिल जाएगा। हाँ, संजय में भी है, अगर आप बल्क में लेते हो तो आपको रीजनेबल मिल जाता है। ये सारा आपको देख रहे हो वो सब कैक्टस का ही है। All are cactus, guys. ये सब में खासियत है कि सब जो है आपको फ्लावर लगते हैं। अभी किसी में फ्लावर तो नहीं है, लेकिन फ्लावर लगते हैं। जो कैक्टस लवर है उनके लिए तो डेफिनेटली ये नर्सरी बहुत अच्छा होने वाला है। ये सब सकुलेंट्स में आपको मैं पूरा कवर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा है। अभी ये वीडियो 10 मिनट का है, शायद ही आप अभी तक ये वीडियो को देख पा रहे होंगे, और अगर आप रियली देख पा रहे हैं तो सच में आप नर्सरी टूर वीडियोस के लवर हो और प्लांट्स लवर हो, तो आपके लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए ये हवार्थी है, किसी किसी का नाम मेरे को पता है। इचविडिया के टाइप का बहुत तो प्लांट होता है, जिसके कारण सकुलेंट्स के नाम को कवर करना कुछ खास बड़ा बात नहीं है। हवार्थी है, जो पॉपुलर प्लांट्स होते हैं उसको हम कवर कर सकते हैं। अच्छा, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एवल मानता हूँ, और आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट जो आपको टूर चाहिए वो आपको कृपा का चाहिए या बालाजी का चाहिए। इस पर स्लाइज कर दूंगा क्योंकि आप ऑथराइज हो। ओके, बाय कृपा नर्सरी। तो चलो, मेरी शॉपिंग हो चुकी है, अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। ये देखो नर्सरी पूरा।